तो वो कहते भाई स्वागत सीखा फैंसी पॉइंट गेम में। और अब दोस्तों के भाई यहाँ पर कुवैत T20 कवर करने जा दोस्तों, यहाँ पर CCC बस दोस्तों केस के बीच में मैच हो रही है, तो इस वीडियो को आप ध्यान देखना। अब देखो भाई डिटेल्स की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पर सुलेबिया की ग्राउंड दोस्तों कुवैत में मैच होगा, और इस पिच की बात करेंगे हम कंडीशंस की। देखो भाई अब जो गेम यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली हुए आप चेकआउट कर सकते हो भाई, पिछला मैच अगर आपने देखा होगा उसमें भी चीजें आपको समझ में, लेकिन अभी देखो परफेक्ट वे में देखा जाए तो देखो पिच का जो दोस्तों स्नेहो रहेगा समथिंग हम ऐसा मान के चलेंगे कि फुल्ली बैटिंग साइड ये विकेट देखने को मिलता है। बैटिंग को इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है इस विकेट पे, मैं बता नहीं सकता भाई कितना जबरदस्त मिलता है। जैसे पिछला मैच उतना बड़ा बैटिंग वाला गेम नहीं हुआ, लाइक मतलब 141 142 का स्कोर हुआ, बट देखो ऐसा मान के चलना कि 60% दोस्तों यहाँ पर बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा और 40% दोस्तों यहां पर कही जाए तो बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा। एकदम परफेक्ट दोस्तों इस पिच के बारे में सिनेरियो रहेगा, इसके हिसाब से टीम रखना, बहुत ही सटीक टीम बना पाओगे। एवरेजिंग स्कोर 130 मैंने लिख रखा है, लेकिन इस गेम में कम से कम आप मान के चलना कि 170 180 आराम से बनेगा। और टॉस की बात करें भाई तो सिंपल सा है भाई, देखो टॉस ऐसा रहेगा कि ज्यादा कुछ मैं मानता नहीं कि ऐसा कुछ मतलब बड़ा डिफरेंस पड़ता है, बट हां बैटिंग फर्स्ट क्वालिटी मैचेस जीतती है। और लास्ट के 5 गेम में 61 विकेट गिरे, जिसमें 42 विकेट पेसर्स और कही जाए तो 19 विकेट स्पिनर। एक चीज तो क्लियर रखना कि पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा विकेट मिलता है इस विकेट पे, हालांकि दोनों को कंबाइन करके रखना, पेसर्स को भी टीम में रखना और स्पिनर को भी टीम में रखना, ताकि एक सटीक टीम आप बना सको। ठीक है अब देखिए रीसेंट मैच वेन्यू हमने डिस्कस कर ही लिया, अब हम दोस्तों यहां पर कही जाए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब देखिए भाई यहां पर जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, क्योंकि फाइनल जो टीम है दोस्तों आपको सीधा सीधा यहीं पे मिलेगा, तो जुड़ जाइएगा। ज्वाइन नाउ आपको नीचे दिखेगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक, और करीब कही जाए तो 32,000 के समथिंग फॉलोअर्स आपको देखेंगे, एकदम फाइनल टीम आपको ही मिलेगी, जुड़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब देखो भाई डिटेल्स पाएंगे तो CCC की बात करेंगे दोस्तों, डिटेल्स की तो यहां पर आप इनका देख सकते हो भाई, जो है रिफकास की बात करें तो देखो भाई पहला मैच खेला 13 का स्कोर किया सफरान, 6+1 विकेट, अलांग अदेसिलान और 51 का स्कोर किया। फिर दोस्तों यहाँ पर चिंथाका 44+0 विकेट, और नयनजीत की बात करें 2 विकेट, लहिरू की बात करें 13+1 विकेट। अब देखो भाई सबने ओवरऑल पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सबने बेटर किया, बट इनमें से किसको हमें टीम में रखना चाहिए जो हमारे लिए एक्चुअली मतलब इंपॉर्टेंट साबित हो और हमारे लिए गेम चेंजर बने भाई? तो देखो भाई सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, रिफकास को टीम में लेना, बैटिंग अच्छा कर लेता है, 30 का औसत है और पार्ट टाइमर बॉलर, बॉलिंग तो नहीं करेगा बट बैटिंग अच्छा करता है। सफरान की बात करें तो पिछला मैच 6+1 विकेट। अब देखिए ये थोड़े से डिफेंशियल टाइप के रहेंगे, ये ओपन आएंगे प्लस कंफर्मली आपको 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करेंगे, तो ये हमारा डिफेंशियल प्लेयर रहेगा। दिलशान की बात करें 51 का स्कोर किया लास्ट मैच में, स्पेशल प्लेयर है भाई, टीम में रख सकते हो अगर बैटिंग फर्स्ट करे। चिंथाका को तो भाई आंख बंद करके टीम में लो, क्योंकि एक तो 3-4 ओवर की बॉलिंग करेगा और साथ ही साथ आपको 3-4 पे बैटिंग भी करेगा। फिर दोस्तों मधुशन को टीम में लो, ये 4 ओवर कंफर्म करेगा, ये दिखेगा आपको विकेट कीपर सेक्शन में, लेकिन बॉलिंग करेगा भाई, बैटिंग इसका बहुत दूर दूर तक नाता नहीं बट बॉलिंग करेगा। लहरू दिलशान हमारे लिए कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, सीधा इनको ग्रैंड लीग की टीम में यूज करना तो ज्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है तो ये पूरा डिटेल्स हुआ, अब हम दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब देखिए भाई यहां पर आपको ध्यान रखना भाई, अब जो प्लेस हम बताएंगे, अब देखिए भाई विजय शेखरा की बात करें तो 18 का स्कोर किया इसने पिछला मैच में कही जाए तो भाई इन्होंने 18 का स्कोर किया लास्ट मैच में, चेकआउट कर सकते हो। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर मुशरफ दिखेगा, पिछला मैच कुछ भी नहीं किया। इंडिका मगालम पिछला मैच 4+2 विकेट, स्पेशल प्लेयर है भाई टीम में रखना। मोहम्मद सिमरन की बात करें तो 16 का स्कोर किया। फिर दनियाल की बात करें भाई तो पिछला मैच उतना स्पेशल नहीं गया, और शरीफ की बात की जाए तो पिछला मैच इनका भी उतना कुछ खास नहीं किया। तो भाई देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई देखो यहां पर इंडिका मगालम इनको टीम में आप सबसे पहले टीम में लो, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो भाई यहां पर ये ट्रम्प कार्ड है, ठीक है ये उतना स्पेशल नहीं, बैटिंग थोड़ा नीचे था इसका, बाकी ये भी कुछ खास नहीं और ये ट्रम्प कार्ड रहेगा। तो इनमें से देखो जिन पे मैंने टिक लगा रखा है उनको आपको स्मॉली की टीम में लेना है, और जिन पे मैंने ऐसे थोड़ा सा क्रॉस टाइप लगा रखा है, लाइक मतलब इस तरह से मैंने कर रखा है, वो ट्रम्प कार्ड है, और जिन पे सीधा ऐसे ऐसे कर रखा है उनको टीम में आपको नहीं लेना है। तो ये भाई कही जाए तो CCC का पूरा दोस्तों डिटेल्स हुआ, अब हम दोस्तों यहां पर कही जाए तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सेकेंड टीम की बात करें नहीं केएस का, देखो केएस का भी दोस्तों मैच हो चुका है, ध्यान रखिएगा। राजीव सदवरन भाई कही जाए तो इन्होंने 74 का स्कोर किया लास्ट मैच में, जब इनका मैच हमने कवर किया था तो भाई अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था, 74 का स्कोर किया। अदनान एंद्रिस 35+1 विकेट, ओपन आएगा, 4 ओवर करेगा, टीम में इसको जरूर रखना। मियां की बात करें पिछला मैच कुछ खास नहीं, और फिर दोस्तों यू पटेल की बात करें तो पिछला मैच 7 का स्कोर किया, स्पेशल नहीं होगा। यासीन पटेल 3 पे आए, 27+4 ओवर की बॉलिंग की स्पेशल है। असलंका सिल्वा पिछला मैच 41 का स्कोर किया। अगर देखो ये इनकी बैटिंग रहे तो आप इनको टीम में लो, अगर इनकी बॉलिंग रहे तब आप इनको टीम में मत लो, ये पूरा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। तो अब देखो भाइयों यहां पर क्या करना, सबसे पहले इस बंदे को टीम में लो, ओपन आएगा, अदनान एरिस ओपन आएगा, टीम में रखो। फिर आयुष पटेल को टीम में लो, बाकी ये ट्रम्प का टाइप है, इनको ट्राई नहीं भी करोगे तो चलेगा और इनको ट्राई नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये दोस्तों यहां पर प्लेस होंगे जिनको आपको टीम में लेना है। अब हम दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए भाइयों केस की बात करेंगे दोस्तों डिटेल्स की, तो यहाँ पर दोस्तों चेकआउट कर सकते हो भाई कि उमर अहमद पिछला मैच कोई उतना स्पेशल गेम नहीं गया, बट ये 4 ओवर कंफर्म किया बंदा, इसको टीम में लेना इंपॉर्टेंट है। निमेश कुछ खास नहीं क्योंकि सिर्फ इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की लास्ट मैच में, ग्राइंडिंग में यूज करना। अब देखिए पी कुमार पिछला मैच 8+0 विकेट, इसने भी सिर्फ 1 ही ओवर किया, ग्राइंडिंग के लिए रहेगा, ट्राई करना दोस्तों ग्राइंडिंग में तो ज्यादा दोस्तों यहां पर बेटर रहेगा, ध्यान रखना ग्राइंडिंग में, ठीक है। बाकी आर मोहम्मद की बात करें इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ ट्रम्प कार्ड भी है क्योंकि सिर्फ कितना सिलेक्शन है, 35% सिलेक्शन इसका, टीम में रखना। निमेश भी कुछ खास नहीं भाई, तो देखो इतने सारे ऑप्शंस में मैं बता दूं आपको, ये बंदा फिक्स है कि टीम में लूंगा, ये बंदा फिक्स है कि टीम में लूंगा, बाकी ये ट्रम्प कार्ड है और ये ट्रम्प कार्ड है जिनको ग्रैंडली की टीम में यूज कर सकते हो। तो भाई ये प्रॉपर डिटेल्स हुआ दोस्तों दो टीम्स का। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर सिंपली जो है टीम की बात करेंगे। अब देखो टीम की बात करें उससे पहले जिन्होंने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो यार सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत हार्डवर्क के बाद दोस्तों यहां पर की जाए तो भाई ये वीडियो बनती है, तो एक लाइक जरूर से जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट मैच मिस नहीं कर पाओ, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में दाग दो भाई, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले ध्यान से यह पढ़ो कि भाई एसएल टीम फॉर ऑल टीम्स, यानी हर ऐप के लिए दोस्तों ये टीम आपकी काम करेगी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यार आपको 1 सेकेंड में दिखाता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो भाई आप देखो भाई यहां पर क्या करना भाइयों कि 1 सेकेंड यहां पर यार ये चीज, हाँ चलो भाई देखो ये एसएल फॉर ऑल टीम्स हो गया। फिर देखो भाई सबसे पहले हम टीम पे यहां दोस्तों फोकस करेंगे, इसको थोड़ा इधर साइड कर लेते हैं। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन क्या हमने चूज किया है, हमने रखा है 6-5 का कॉम्बिनेशन रखा है दोस्तों, यानी कही जाए तो भाई दोनों टीम्स को दोस्तों यहां पर इक्वली बैक किया। थोड़ा सा सी डबल सी टीम को हमने थोड़ा सा अपर हैंड रखा है, बट वो भी थोड़ा बिल्कुल सेफ टीम के साथ चल रहे हैं भाई, रिस्क लिया है बट कैलकुलेटेड रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क हमने इस मैच में नहीं लिया, ठीक है। देखो विकेट कीपर सेक्शन से नयनजीत, एम नयनजीत को पिक करना, फिर ए दिलशान को पिक करना, 3 पे आएगा, चिंथाका को पिक करना, मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेगा, 4 ओवर की बॉलिंग करेगा, तो विकेट कीपर से ये 3 प्लेयर को आपको टीम में रखना। इधर बैट्समैन सेक्शन से रिफकास को टीम में लिया, सदवरन को टीम में लिया और लुत्फी को टीम में लिया, भाई देखो ये प्लेयर्स मैंने चूज किए। बाकी ये देखोगे तो इंडिका मगालम को टीम में लिया, एंड्रिस को टीम में लिया ऑलराउंडर से, और फिर दोस्तों वाई पटेल को लिया, ये 3 प्लेयर्स मैंने ऑलराउंडर से लिए, और बॉलिंग से यू अहमद और आर मोहम्मद। तो ये पूरा टीम का सिलेक्शन है, इसको सेव कीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, जैसे ही टॉस और लाइनअप होगा हम आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ट्रम्प कार्ड हमने 2 प्लेयर चूज किया, जैसे ये ट्रम्प कार्ड है और ये ट्रम्प कार्ड है। देखिए स्मॉली की टीम में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों, बस 1-2 रिस्क ले लो जिससे जैकपॉट कर जाओ, जो रिस्क आपको लेना चाहिए वो ग्रैंडली की टीम में लेना चाहिए, वो बहुत बेटर होता है, ठीक है। तो ये टीम का भाई डिस्कशन हो गया पूरा, समझ गए आप। अब हम इधर आते भाई मेन चीज पे, थोड़ा फोकस कर लेते जो आपके लिए काम आएगा, ठीक है। देखो भाई एन दयान की बात करें बहुत कम सिलेक्शन है, कही जाए तो 32 है, एक तो 3-4 ओवर बॉलिंग और लोअर ऑर्डर बैटिंग, ग्रैंडली के लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा। लुत्फी के बारे में हमने यहां डिस्कस किया, मैंने टीम में भी इसको पिक किया है, एक तो ओपन आएगा और पार्ट टाइमर बॉलर है, 3-4 ओवर कर भी देता है कभी कभी मैच में। और परमिंदर कुमार सिर्फ कितना है देखो भाई, 23% इसका सिलेक्शन है, बड़ा गेम चेंजर। आर मोहम्मद
26% सिलेक्शन, गेम चेंजर, ये चार ओवर करेगा, ये भी बॉलिंग कर सकता है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। तो चार मैंने ऐसे प्लेयर निकाले हैं जिनके सिलेक्शन कही जाए तो 30 से कम है, कुछ के 30 से भी ज्यादा है, बट बड़े अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर दोस्तों यहां पर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखा, टीम को सेव कर लीजिए और ये प्लेयर्स को आप देख लीजिए। बाकी मिलता हूं आपको दोस्तों सीधा टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम के साथ में।